हाँ जी, देखिए जरा क्वेश्चन को आप। ए परचेज अ टेलीविजन पेइंग 5,000 रुपीज एज अ डाउन पेमेंट। बेट आप एक टेलीविजन खरीदते हैं और आप जो है आप एक डाउन पेमेंट कर देते हैं पहले, जो आपके पास में कैश होता है, ताकि भैया जितना पैसा शुरू में दे सको दे दो, बाकी पैसे पे ही ब्याज जाएगा, नहीं तो सब पे ब्याज दोगे तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं लोग डाउन, एंड प्रॉमिस टू पे 1,200 रुपीज एवरी 3 मंथ आर एवरी एक इक्वल इंटरवल पे आप ये पे कर रहे हो आर है एवरी 3 मंथ। 3 मींस मतलब क्या होता है, क्वार्टरली। क्या होता है, क्वार्टरली होता है, क्लियर है बच्चे, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। अब बच्चे एम क्या होता है आपका, पहले यहाँ पे जब भी आप एक साल के अंदर अंदर कुछ पेमेंट करते हैं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, तो वहाँ एम निकालने की नीड होती है। अगर आप सालाना पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एम क्या होता है, एक साल में कितनी बार पेमेंट हो रहा है, पेमेंट इन 1 ईयर, हाउ मैनी टाइम्स पेमेंट इन 1 ईयर। एम इक्वल्स टू क्या होता है, एक बार ध्यान रखो, हाउ मैनी टाइम्स पेमेंट इन 1 ईयर। तो हर 3 महीने पेमेंट कर रहे हो तो एक साल में कितनी बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, ठीक है, ये एम होता है। एंड द नेक्स्ट 4 ईयर, एंड एन क्या होता है, एन होता है टोटल कितनी पेमेंट जाएगी। तो आपके पास में क्या है, टी एम या एम टी, क्यों, क्योंकि एक साल में 4 बार, और आपके पास में कितने साल पेमेंट जाएगी, 4 साल जाएगी, तो कुल मिला के 16 बार पेमेंट करोगे ना, तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल बी पे, तो ये आपका क्या होता है, एन होता है। द सेलर चार्ज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पर एनम, ये सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 8%। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसको आप इस 8 को आप डिवाइडेड बाय एम करो, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना है, 2%। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये पहले समझो आप। अब सवाल आते हैं हमारे पास में, व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन। ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है ऐसा, आप इसको कर सकते हो, चल फिर भी मैं करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है ना, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो एज अ टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगा, ये आपको एज अ टेस्ट दे रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन करना है। नहीं, मैं ये 62 आपको एज अ टेस्ट देना है, ठीक है, फिर 63 भी करवा देता हूँ। यहां देखो, व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ टेलीविजन, कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन, तो 5,000 तो आपने दिया ही दिया है, बाकी आप देख लो जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उन 200 रुपये, हर समय ब्याज शामिल है, हर समय ब्याज हटा दो, तो अगर आप कैश में लेते तो कितना पड़ता, तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, पी इक्वल्स टू आर ए एन आई, ठीक है ना, क्लियर है। जब यहाँ पे ए लिखा आता था मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जब यहाँ पे एस लिखा आता था मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है आपको। तो प्रेजेंट वैल्यू पी इक्वल्स टू आर, आर क्या आपका 200 रुपीज़ है, ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई, आई क्या आपका 0.02 रेज़ टू पावर माइनस n, n क्या आपके पास में 16 अपॉन 0.02, दिस वन, क्लियर है बच्चे। सॉल्व करते हैं, पी इक्वल्स टू 200 एंड ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.02 रेज टू पावर 16 एंड अपॉन 0.02 एंड पी इक्वल्स टू 200 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, कैलकुलेटर लीजिए भैया, 1.02 इंटू इक्वल्स टू प्रेस करो कितनी बार, जितनी इसकी पावर है उससे एक यहाँ पे लिखा, आपको बस यहाँ पे उसकी एक एक्स्ट्रा लिखा आ जाना चाहिए, उससे मतलब है, ठीक है, 1.372785। सॉल्व करेंगे 0.02 एंड प्रेजेंट वैल्यू, इतना ही टाइम लगेगा एग्जाम में और क्या लगेगा आपका, 1 माइनस सॉल्व करेंगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 1.372785, 0.72844 अपॉन 0.02 एंड पी इक्वल्स टू 200 अपॉन
वन माइनस 0.72884, तो क्या है आपके पास में 0.271156 अपॉन 0.02, तो सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 200, तो सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2711.56, तो 2216 32 रुपये जाता है आपका, 2711.56 का है। और पूछ कह रहा है आपसे कैश प्राइस, मतलब कैश में तो कितना पड़ता आपका कैश प्राइस। कैश प्राइस में एक तो ये जो आपने किस दी उसमें से ब्याज निकाल दूंगा, तो ये आपको देना ही पड़ता, प्लस जो आपने स्टार्टिंग में दिया उसको 5000 रुपये, ठीक है। तो आपके पास में 7711.56, इतने में आपको आपका टेलीविजन मिल जाता। क्लियर है बच्चे? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ ए मिस्ड आर द फर्स्ट थ्री पेमेंट एंड व्हाट शुड ही पे एट द टाइम द फोर्थ पेमेंट इज ड्यू टू ब्रिंग हिम अप टू डेट। मतलब कि अगर उसने पहले तीन पेमेंट को मिस कर दिया, पहले 200 रुपये देने थे नहीं दिए, अगली बार 3 महीने 200 देने थे बोला भाई अभी नहीं है ले लेना बाद में, अगली बार 200 देने थे नहीं दिए, तो ये 200 रुपये अगर उसने नहीं दिए 3 बार में, तो अगर ये चौथी बार जब पेमेंट देने जाएगा तो वो पिछला पैसा भी लेकर के जाएगा। तो 200 रुपये मैं बोला जो पहले क्वार्टरली का एंड में आया, मैं बोला सर नहीं है मैं अगली बार दे दूंगा, अगली बार आए अगली बार दे दूंगा, अगली बार आए अगली बार दे दूंगा, 3 बार मिस कर दिया, चौथी बार में आया तो मुझे कितना पेमेंट देना चाहिए जो कि मैंने मिस करा था वो सारा का सारा सेटल हो जाए, ठीक है बच्चे। तो वो 200 रुपये जो आपने दिया नहीं है उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, आप इसको मत भूलिए। पहले आप ट्राई कीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। सर हमें 4.4 क्यों किया, कहाँ पर बच्चे 4.4 कहाँ की बात कर रहे हैं? अच्छा ये 4×4 बच्चे हमें एन की नीड होती है, कितनी बार हम उसको इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो हर 3 महीने में पे कर रहे हैं तो एक साल में जितनी बार पे करते हैं उसको एम बोलते हैं, तो एम इक्वल्स टू 4, साल में 4 बार जाएगा, तो 4 साल में कितनी बार जाएगा, ईच एवरी ईयर आप 4 टाइम्स पे कर रहे हैं तो 4 ईयर में 16 टाइम्स पे करेंगे, तो एन मीन्स 16। ठीक है बच्चे, पार्ट टू, अगर आप 200 रुपये के 3 मिस करके चौथी में जाते हो तो इस पे 200 रुपये भी आपको फिर से दोबारा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये तो 200 रुपये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट था ही था, बट आपने उसको मिस कर दिया तो फिर वो आपसे और इंटरेस्ट इस पे लेगा ही लेगा। तो ये आपके पास में ऑर्डिनरी एन्युटी का केस हो गया कि फ्यूचर में एक आप पैसा है वो फ्यूचर में कितना डेवलप हो जाएगा ब्याज समेत, तो ये वाला केस हो गया जिसमें क्या बोलते हैं हम एस इक्वल्स टू आर एन एस दिस वन एन और आई मीन्स सम ऑफ अमाउंट कितना हो जाएगा आपका आर के आपके पास में आर ब्रैकेट वहां पे क्या होता था आपका 1+i^n -1/i ये रहता था उसमें फॉर्मूला। तो s इक्वल्स टू 200 ब्रैकेट 1+0.02 4 इसमें 4 क्योंकि आपने कितने इसमें मिस करा फर्स्ट 3 एंड व्हाट इज द पे एट द टाइम ऑफ द आप सेटलमेंट कितने टाइम पे कर रहे हो वो एज द n यूज करेंगे, आप फोर्थ टाइम पे आप पे करके सेटलमेंट कर रहे हो तो 4 यूज होगा कि 4 साल फोर्थ पे जा रहा है पैसा -1/0.02 एंड s इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 200 ब्रैकेट 1.02 इंटू इक्वल्स टू -1 एंड क्या है आपके पास में 0.082432 -1 करने के बाद अपॉन 0.02 तो डिवाइडेड बाय 0.02 तो
एस इक्वल्स टू 200 इंटू 4.1216 इंटू 400, तो एस इक्वल्स टू ठीक है बच्चे। तो वो जो तीन इंस्टॉलमेंट है उसको आपको, जो कि आपके पास में दो दो सौ रुपए की बाकी थी, उसको चौथे साल देने जा रहे हो, तो चौथे साल आप कितना दोगे उसको? आप 1648 रुपए दोगे, जो कि आपका 1600 बनना था, आप 1648 बनेगा। कुछ मिस्टेक करा हमने इसमें, टू हंड्रेड इंटू 4.1216 824.32 आएगा। लास्ट में मिस्टेक करा हमने यहाँ पे, ये आएगा 824.32। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ देखें, अब ये कुछ क्वेश्चन है आपको ऐसा टेस्ट, आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं आपका, ये देख लो, चार पांच सवाल पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, एनयूटी का आएगा एक क्वेश्चन, और इसी तरीके से उसमें तीन चार चीज़ें आपसे पूछेगा। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना पेपर में। इस एनयूटी के टॉपिक को आप अपना पक्का कर लो, कंफर्म कर लो, इसमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे, पूरा 10 ईयर भरा हुआ है आपका इस टाइप के सवाल से। उसके बाद फिर आपके पास में कुछ ये क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर करके इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में। अभी एक दो टॉपिक और रह गया है, उसका टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे।